अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब एकदम ठीक होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखें और हर तरह की बीमारियों और परेशानियों से दूर रखें। आमीन सुम्मा आमीन। आज का मौसम बहुत ही प्यारा था और आज हमें जाना था बनारस दवा के लिए, तो इधर हम बनारस के लिए एकदम तैयार हो चुके थे। आपको सोचा पूरा लुक दिखा दें, इधर हमारा भी एकदम तैयार हो चुकी थी। अब हम लोग चलते हैं। फाइनली हम लोग यहाँ से निकल गए थे ये बनारस के लिए। आप लोग देख सकते हैं, आप लोग बताइएगा किस किस को बाइक पे सफ़र करने में बहुत अच्छा लगता है। इधर हम लोग पेट्रोल पंप पे आ गए थे तेल लेने के लिए, इधर हमने अपनी गाड़ी में तेल भरवाया था। इधर हमारे को जो है फ्लावर दिख गए थे, तो हमारा इधर जो है फूलों से खेलना शुरू कर दी थी। आप देख सकते हैं कितने अच्छे यहाँ पर फूल लग रहे हैं, बहुत ही अच्छे थे। पेट्रोल पम्प पर फूल लगे हुए थे, हमारा ने कितने फूल यहाँ पर तोड़ भी लिए थे और इनके साथ खेल भी रही थी। फिर फाइनली हम लोग यहाँ से निकल चुके थे अपने सफ़र के लिए। आप लोग देख सकते हैं मौसम बहुत ही सुहाना था, बाइक से सफ़र करने में यहाँ बहुत ही अच्छा लग रहा था। इधर हम लोग पहुँच चुके थे बनारस और यहाँ हम लोग डॉक्टर के यहाँ इंटर कर रहे थे। इधर हमारी दवा भी आ गई थी, यहाँ पर हम लोग दवा लेके अब हम लोग यहाँ से निकल चुके हैं। यहाँ से हम लोग निकल चुके हैं, आगे हम लोग क्या करते हैं चलिए आप लोग वीडियो में बने रहिए। आगे हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ से हम लोग कहाँ जाते हैं। फाइनली हम लोग यहाँ पे बनारस से गलियों के होते हुए घूमते टहलते हैं। आप देख सकते हैं बहुत ही यहाँ पे रश था, जैसे तैसे हम लोग यहाँ पे मॉल में आके पहुँच गए थे। हमारा को यहाँ बहुत ही मज़ा आ रहा था और यहाँ पे आने पर धूप बहुत तेज़ थी। देख सकते हैं बनारस का मौसम बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। यहाँ हम लोग मॉल के अंदर इंटर हो गए थे, इधर हमारा को बहुत मज़ा आ रहा था। आप लोग देख सकते हैं हमारा मॉल में आके बहुत ही इन्जॉय कर रही थी। फिर इधर हमारा को जो है सामने, फाइनली हमारे को इधर मैकडी का स्टेचू दिख गया था। फिर हमारा ने इस पर बैठने की ज़िद कर रही थी कि पापा से हमने कह रही थी कि मेरी फ़ोटो ले लीजिए, फ़ोटो ले लीजिए। आप देख सकते हैं कितनी खुशी इस पर नज़र आ रही है बैठने के बाद। फिर इसने यहाँ पे चश्मा वगैरह लगा लिया था और फिर इसने यहाँ पे बहुत ही मज़े से फ़ोटो खिंचवाई थी। फाइनली हम लोग यहाँ पे आ गए थे टिकट लेने। यहाँ पे दो मूवी लगी थी जिसमें से हम लोगों ने गदर 2 की जो है टिकट ले ली थी और लेके अब हम लोग जा रहे थे मूवी देखने। फाइनली हम लोग यहाँ ऊपर आ चुके हैं मूवी देखने के लिए। मूवी हमारी शुरू हो चुकी थी, आप देख सकते हैं लाइट वगैरह एकदम बंद हो चुकी थी। हमारे को यहाँ पर एकदम बिल्कुल भी दिख नहीं रहा था। इधर हमारे मूवी में इंटरवल हो चुका था। अब यहाँ पे हमारा को पॉपकॉर्न वगैरह चाहिए था और कोल्ड ड्रिंक चाहिए थी। बिना पॉपकॉर्न और कोल्ड ड्रिंक की इसकी मूवी अधूरी रहती है। फिर हम लोग फाइनली बाहर आ गए थे, यहाँ पे हमने कुछ खाने के लिए सामान ले लिया था और लेके फिर हम लोग जो है अंदर इंटर हो गए थे। फाइनली इधर हमारी मूवी ख़त्म हो गई थी। हमने मूवी बिल्कुल भी इंजॉय नहीं करा, मूवी हमें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी थी। अब चलिए अब हम लोग यहाँ से निकलते हैं और बहुत देर हो चुकी है हम लोग को मूवी देखते हुए। इस टाइम यहाँ पे शाम के 5:30 बज चुके हैं और भूख बहुत ज़ोर से लगी है। हम लोगों ने बिल्कुल भी कुछ नहीं खाया है। चलिए अब हम लोग चलते हैं कुछ खाने के लिए। जब देख सकते हैं हमारे को बहुत मज़ा आ रहा है, हमारा तो यहाँ से बिल्कुल भी जाने के लिए नहीं कह रही थी। इधर हम लोग अपनी पार्किंग में आ गए हैं, अब चलिए हम लोग कुछ खा लेते हैं। फाइनली हम लोग यहाँ पे दल मंडी पहुँच चुके थे। आप देख सकते हैं यहाँ हम लोग रेस्टोरेंट में आ गए थे खाने के लिए। यहाँ बहुत से आइटम लगे थे, कुछ समझ में नहीं आ रहा था हमें क्या मंगाना है क्या नहीं। भूख बहुत ज़ोर से हम लोग को लग चुकी थी। इधर फाइनली हम लोग आके अपने टेबल पे बैठ चुके थे। फाइनली इधर हमारा स्टार्टर्स भी आ गया था, इधर हमने स्टार्टर्स खाना शुरू कर दिया था। अब हम आपसे मिलते हैं खाना खाने के बाद। फाइनली इधर हम लोगों ने खाना वगैरह खा लिया था, इधर हम लोगों ने कोल्ड ड्रिंक भी पी लिया था। अब हम लोग यहाँ से निकलते हैं और अब हम लोग चलते हैं घर के लिए अपने। अब देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा रश था और यहाँ पे बहुत सारे रेस्टोरेंट थे खाने के लिए, बहुत ही अच्छे अच्छे यहाँ पे जो है स्टार्टर्स वगैरह मिल रहे थे।
अब हम लोग जो है इधर से निकल रहे हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तोते बिक रहे थे, हमारे को दिख गया था, हमारे इनके पीछे पड़ गई थी। इधर फाइनली हम लोग यहाँ से निकल चुके थे। आप देख सकते हैं यहाँ बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक था, हम लोग को निकलने में यहाँ से बहुत ज़्यादा ही लेट हो गया था बहुत ही ट्रैफिक की वजह से। और इधर आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी अच्छी दुकानें थी, बहुत अच्छे अच्छे कपड़े मिले थे, सोचा आप लोग के साथ भी थोड़ा शेयर कर लें। देख सकते हैं बहुत ही अच्छे अच्छे यहाँ पे जो है शूज़ वगैरह भी मिल रहे थे। इधर हम लोग वहाँ से निकलते हुए यहाँ पे आ गए थे हलवाई की दुकान पे। यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे फेमस गुलाब जामुन मिलते हैं। यहाँ से हमने गुलाब जामुन खाया तो नहीं था, पर यहाँ से हमने पैक करा लिया था। और यहाँ से पैक करा के हम लोग गुलाब जामुन निकल गए थे। यहाँ बहुत ही गर्म गर्म और बहुत ही स्वादिष्ट गुलाब जामुन मिलते हैं। आप देख सकते हैं इधर ही हमारा पैक होकर पार्सल तैयार हो गया था। और अब हम लोग यहाँ से निकलते हैं अपने घर के लिए। आप देख सकते हैं यहाँ बिल्कुल रात हो चुकी है और हम लोग घर पहुँच चुके हैं। रास्ते में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था और बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रही थी, इस बारिश की वजह से हम लोग बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे। आप देख सकते हैं इस वक्त करीब जो है रात के 8 बज रहे थे और हम लोग भदोही में इंटर हो चुके थे। हम लोग घर में एंट्री कर चुके हैं। उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। फाइनली हम लोग घर पहुँच चुके हैं। यहाँ पर रास्ते में आइसक्रीम मिली थी, हमारा आइसक्रीम पर जीत कर रही थी तो हमने आइसक्रीम भी पैक करा लिया। आज का व्लॉग यहीं तक है, अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।